अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक। और ये तो एक्चुअली बकरा ईद थी, तो बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक। ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली ईद से 2-3 दिन पहले की है, जब मैंने सोचा कि नहीं, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि 2-3 दिन के बाद ईद है। तो ये मुल्तानी मिट्टी की एक बॉटल थी, ये मुझे एक देसी स्टोर है यहाँ पर, वहाँ पर ऐसी ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए नज़र आ गई और मैंने ख़रीद ली। मेरे ख्याल से इससे पहले 1 या 2 बार मैंने ट्राई की थी, लेकिन मैंने कहा इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो मैंने इसका एक छोटा सा मास्क बना दिया था और इसको मैंने अप्लाई किया। बस ये मास्क लगा के मैंने 15 मिनट तक इसको रेस्ट दिया था, जब ये ड्राई हो गया उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद मेरे हिसाब से मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो। हैशटैग ग्लो चाहिए, ये बहुत फेमस लाइन है जो आजकल सारे वीलॉग्स में यूज हो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ कर लूँ। आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त तक सब लोग ईद मना के फारिग हो चुके होंगे और आराम फरमा रहे होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई, वीलॉग मैंने काफ़ी देर के बाद बनाया है बिकॉज ईद में मैं इतनी बिजी थी, फर्स्ट डे भी और सेकेंड डे भी। ऑब्वियसली फर्स्ट डे तो ईद का दिन होता है तो आपने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, और सेकंड डे भी मेरे यहाँ एक पॉटलक था तो मैं उसमें ज़रा बिजी थी। अच्छा, तो ये टाइम है ईद से 1 दिन पहले का, चांद रात है ये। इस वक्त मैं सवैयाँ बना रही हूँ और साथ साथ अपना क्राफ्ट्स कर रही हूँ डेकोर का। सवैयाँ मैंने 1 दिन पहले इसलिए बना ली थी क्योंकि रात को मैं उसको फ्रिज में रख दूँ और सुबह हम ठंडी ठंडी खाएं, तो साथ में ये मैंने थोड़ा सा क्राफ्ट्स भी कर लिया। मैंने कहा ईद का पता चले बच्चों को भी और हमें भी कि ईद है। ये दो काम एक साथ करने का नुकसान ये होता है कि मेरी सवैयाँ ये बनाते बनाते जो हैं वो उबल गई थी, उसके बाद मुझे सोने से पहले अपना चूल्हा भी साफ़ करना पड़ा और ये सारा कुछ समेटना भी पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे मल्टीटास्किंग का इतना शौक़ है और अक्सर मैं मल्टीटास्किंग करते करते ना कुछ अपना नुकसान ही कर पड़ती हूँ। सिंपल सा क्राफ्ट मैंने किया था जो जल्दी भी हो जाए। मैंने एक ब्लैक कार्ड पेपर लिया, उसको कट किया, 9x9 के ये स्क्वायर्स थे उसमें कट किया मैंने, और उसके ऊपर ये मैंने सितारों वाली लेस, उसको कह लें यहाँ पर, मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, ये लगा दी। जब मैंने सब टॉप पे लगा दी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गम ले ली है और अब इसके दरवाजे में खाना खाबा के नहीं बना सकती हूँ। तो फिर मेरे पास एक गोल्डन कलर का ये ग्लिटर ग्लू पड़ी हुई थी, ये मैंने सब पे लगा दी और इस तरह से फैला दी कि दरवाजे का इफेक्ट आए। और फिर मैंने एट दी एंड इसको एक स्ट्रिंग में बांधा और मैंने अपने डेकोर के लिए वॉल्स पर लगा दिया। तो जी यहाँ पर रेडी हो गए हैं, ये मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए हैं, खाना खाबे की पिक्चर्स मैंने बनाई थी और मेरी सवैयाँ भी रेडी हैं। अब सवैयों के ऊपर मैं अपनी लगाऊंगी प्लास्टिक शीट और इसको मैं फ्रिज पे रख दूंगी सुबह तक ठंडी होने के लिए। जी तो ये क्राफ्ट रेडी करके और सवैयाँ रेडी करके मैं फिर ऊपर जाके सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ये हमारी टेबल है नाश्ते की, सवैयाँ भी पड़ी हैं, नाश्ता भी पड़ा है। ये सवैयाँ खा के नाश्ता करके उमर गए थे नमाज पढ़ने के लिए और हम लोग घर में रहे थे, और उसके बाद मैं खुद तैयार हुई और बच्चों को तैयार किया। एंड नाउ यू कैन सी हाउ वी लुक। ईद मुबारक फ्रॉम हफ्सा, जीनिया एंड फैमिली। ईद के फर्स्ट डे हमने कोई गेट टुगेदर प्लान नहीं किया था क्योंकि कोविड है, तो 2 दिन कंसेक्यूटिव गेट टुगेदर करना मैं चाह नहीं रही थी, और दूसरा ये है कि फ्राइडे को उमर की जॉब भी थी तो हमारे लिए आसान नहीं होना था गेट टुगेदर प्लान करना। तो फर्स्ट डे हमने थोड़ी देर के लिए तैयारी शारी की, जो पिक्चर्स आपने अभी देखी हैं वो हमारी तैयारी थी। उसके इतनी गर्मी थी उस दिन, तो उसके 1 घंटे के बाद मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए और बच्चे आइसक्रीम खा के आए थे, सीनियर ने अपने पूरे कपड़े गंदे कर लिए तो मैंने बच्चों के भी कपड़े चेंज कर दिए। एंड देन वी वेंट फॉर डिनर और हम ये गए हैं जेरूसलम शवारमा प्लेस है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर, यहाँ पर गए हैं। ये इसकी देख लें आप, अच्छी थी, इसके एम्बियंस सारा कुछ। हम यहाँ पर आके बैठे और इनका मेन्यू में भी बड़ी वैरायटी थी। हमने ऑर्डर किया एक इनका रॉयल मीट प्लेटर था और एक था चिकन प्लेटर, हमने वो ऑर्डर किया। क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 6 बंदे इन 2 ऑर्डर्स में खाना खा सकते थे ईजिली। तो खैर हमने मिल मिला कर खाना खाया जितना खा सके, बाकी पैक किए और घर ले गए और फिर अगले दिन भी हमने वो खाया। ओवरऑल फूड वॉज गुड। इनके बेक पोटेटोज़ भी मज़े के होते हैं, हमस भी बहुत मज़े के होते हैं, इनकी गार्लिक सॉस होती है वो भी बहुत मज़े की होती है। इसके अलावा मीट का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, चिकन भी बहुत मज़े का। जी तो ऐसे गुजरा हमारा ईद का फर्स्ट डे। अभी ईद का सेकेंड डे है और सफाई शुरू है, हुआ लग रहा है सफाइयाँ हो रही हैं क्योंकि पॉटलक है मेरे घर में आज। जी तो देख लें यहाँ पे A to Z सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वैसे काफ़ी घिसी पिटी लाइन है और बाहर वाले बहुत यूज़ करते हैं, आप लोग अनॉय भी होते होंगे कि हर वक्त शो ऑफ करते रहते हैं कि हम सारे काम खुद करते हैं, हम सारे काम खुद करते हैं, लेकिन बताना पड़ता है। तो जितनी देर मैं सफाई कर रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ और 1-2-3 फैमिलीज से आपका, जो कि मेरी तरह दूर बैठे हैं पाकिस्तान से, लेकिन अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा और ये है मेरी फैमिली। हम सब लोग मिले जर्मनी रहते हैं, वैसे हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इस ईद के मौके पे मैं और मेरी फैमिली आप सबको बहुत बहुत
विश करते हैं ईद हमारे चैनल का नाम है माय सैम बैम। हम लोग फैमिली एक्टिविटी वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल पे जाएं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है और उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को वॉच करना, उस पर अच्छी अच्छी वीडियो बनेंगे। मेरी डाल वाली वीडियो भी है, उनमें मेरी कार वाली वीडियो भी है। आपको हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत प्यारे प्यारे लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई है आफ्टर स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल, आप भी जाके इनके चैनल जरूर व्यू कीजिएगा और देखिएगा इनकी ईद स्टोरीज। नाउ कमिंग बैक टू माय वीलॉग, ये आज का जो पॉटलक है उसमें मैंने बनाने हैं चने, चावल। चने का सालन मैंने बना लिया है और चावल मैंने साइड पर रखे हुए हैं कि मेहमानों के आने से कुछ देर पहले मैं इनको बॉयल कर लूँगी और पका लूँगी। और साथ साथ जी मेरा चल रहा है एक और क्राफ्ट, और वो है कुरी बैग्स बनाने का। मैंने ये पॉपकॉर्न्स बना लिए हैं, ये मैं साथ साथ बना रही थी, और ये मैंने ज़िप लॉक्स लिए हैं, इसमें मैंने पॉपकॉर्न्स डालने हैं और उसके बाद मैंने ज़िप लॉक को ऊपर से कट करना है और मैंने उसको टाई अप कर देना है विद द ट्रांसपेरेंट टेप। और फिर मैं चारों साइडों से इस बैग को इस तरह स्क्विश करूँगी कि ये शीप की जो फर होती है उस तरह लगे। और रात को मैंने उसी ब्लैक कार्ड पेपर में से फेस भी बना लिया था शीप का। ये बिल्कुल मैंने रफली एक शेप कट की है जो कि लग रही है जैसे शीप की शक्ल है, और उसके ऊपर जो है मैंने रफली ड्रॉ कर दी थी उनकी आइज़ और माउथ, और ट्रांसपेरेंट टेप से मैंने लगा दिया था, पेस्ट कर दिया था इसको बैक के ऊपर। और जी ये रही फाइनल लुक मेरे तमाम डेकोर की। थोड़ा सा मैंने डेकोर किया था बस अपनी तसल्ली के लिए, और ये इसलिए कि बच्चों को रिकग्नाइज हो कि ईद का क्या मकसद है, बिकॉज कुर्बानी मोस्टली हमारी पाकिस्तान में होती है, वो सिलसिला तो बच्चे देख नहीं पाते। और ईद का डेकोर करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि और इन लोगों के इवेंट्स जो जैसे क्रिसमस होता है, हेलोवीन होता है, उसकी इतनी हाइप क्रिएट होती है कि फिर बच्चों को उन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है बजाय इसके कि हमारी ईद का पता हो। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं ताकि बच्चों को रियलाइज़ हो कि इट्स अ स्पेशल डे टुडे। अब यहाँ पर मैं किचन से फारिग होकर ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर आके मैंने अपने दो सूट निकाले हैं और आई एम नॉट श्योर व्हिच वन टू वेयर। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कौन सा पहनूँ। खैर मैं तो ये आपको बात बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड ने कौन सा चूज़ किया, फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी शुरू हो गई है फर्दर स्किन केयर। बच्चे नीचे थे हमारे पास तो मैंने कहा जल्दी जल्दी स्किन केयर भी अपनी कर लूँ। टीच लगाई है मैंने थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अभी मेरा मेकअप टाइम आ गया है। यहाँ पे मेकअप करते हुए मैंने लाइट सा आई मेकअप करी ही थी, करते करते जो है मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो मैं पूरा फिनिश्ड लुक आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अभी जितना मैंने रिकॉर्ड हो सका उतना मैंने पोस्ट कर दिया है वीडियो में। अब हमारे घर मेहमान आ चुके हैं, इस वक्त हम खाना नोश फरमा रहे हैं। आपके सामने है क्या क्या रखा हुआ है इस टेबल पे। माशाल्लाह से चावल हैं और कोरमा है और रोस्ट है। चार फैमिलीज हमने बुलाई थी और पिज्ज़ा भी मंगवा लिया था बच्चों के लिए। अच्छी पार्टी रही, अच्छा फ़न किया, फीलिंग हुई कि ईद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्त ही होते हैं जो आपसे मिलते हैं ईद पर, फैमिली तो हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये रही मेरी फ़ाइनल लुक, और आपको पता भी चल गया कि मैंने क्या पहना था आज। प्लीज़ डू लेट मी नो कि सारा कुछ कैसा था और डेकोरेशन कैसी थी और मैं कैसी लग रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।